हाय गाइज, ये मेरा हेयर लॉस से रिलेटेड पहला वीडियो है। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने 6 महीने के फिनेस्टराइड के रिजल्ट्स। मैंने अप्रैल में फिनेस्टराइड लेना शुरू की थी हेयर लॉस के लिए और आज अक्टूबर है और मुझे 6 महीने हो चुके हैं फिनेस्टराइड लेते हुए। मैं आपको अपने हर मंथ के पिक्चर्स दिखाऊंगा और ऑनेस्ट रहूंगा, मैं आपको कोई झूठी पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगा। बहुत बार क्या लोग करते हैं कि अलग अलग लाइटिंग में फोटो ले लेते हैं और बोल देते हैं कि मेरे बाल आ गए या फिर मैंने ये प्रोडक्ट लगाया, मैंने केला लगाया, मैंने अंडा लगाया। वो मुझे नहीं करना है और यही इस चैनल का पर्पस है कि आप तक सच पहुंचाया जाए, इंटरनेट पे जो इतना गंद फैला हुआ है, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, वो हटाई जाए और लोग साइंस के थ्रू हेयर लॉस को समझें, उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट, मिनोक्सिडिल, फिनेस्टराइड, उसकी साइंस समझें, ना कि जो इंटरनेट पे दे रखा है कि अंडा लगा लो, गोबर लगा लो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं मेरे रिजल्ट्स के पिक्चर्स के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरी जनवरी 2021 की पिक्चर्स है। इस टाइम मैं फिनेस्टराइड नहीं लेता था और आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे दोनों जगह, वहाँ पे थिनिंग शुरू हो गई है। तो मैं गंजा नहीं था बट वहाँ पे डेंसिटी कम हो गई थी और बाल बहुत पतले हो गए थे। और ये वो ऐसा टाइम था जब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि भाई मुझे मेल पैटर्न बॉल्डनेस है। इससे पहले मैंने लगभग 6 महीने पहले नोटिस किया था हेयर लॉस, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मेरे बाल हमेशा से ही ऐसे थे। इस पिक्चर के बाद जो है सच्चाई सामने आ गई और मेरे ख्याल से जिनको हेयर लॉस होता है वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इन बातों से। जो लेफ्ट साइड में पिक्चर है वो फरवरी 2021 में है और आप देख सकते होंगे कि कैसे यहाँ पर थिनिंग शुरू हो गई है मेरे इस वाले एरिया में। और ये वो टाइम था जब मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया और उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की फिनेस्टराइड और मिनोक्सिडिल। मैंने मिनोक्सिडिल लेने से मना कर दिया। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मैंने मिनोक्सिडिल नहीं ली और मैंने चूज़ की फिनेस्टराइड। और फिर उसके बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं मार्च में, और ये मार्च की मेरी पिक्चर थी। अभी भी मैंने फिनेस्टराइड लेना शुरू नहीं किया, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है। जब भी आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आपके मन में रहता है कि भाई मैं शुरू करूँ ना करूँ, तो मैं अभी भी उसी वाले फेज में था। बट इस मार्च के बाद मैंने डिसाइड किया कि फाइनली अब मुझे लेनी है। फिर मैं वीकेंड पे गया, मैं फार्मेसी से लेके आया फिनेस्टराइड और मैंने फिर उसको माइक्रोडोज किया। माइक्रोडोज में क्या होता है कि आप कोई भी ड्रग है उसको आप एक कम डोज से स्टार्ट करते हो और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हो। मैंने आई थिंक 0.25 मिलीग्राम एवरी अदर डे ली थी, मतलब एक दिन छोड़ के, और धीरे धीरे उसको मैंने बढ़ा के 3 महीने में 1 मिलीग्राम कर दिया एक दिन में। माइक्रोडोजिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब देखते हैं रिजल्ट। जो मेरी राइट साइड की पिक्चर है ये मार्च 2021 की, इसको मैं एज ए बेसलाइन यूज़ करूंगा। मतलब ये मेरी बिफोर पिक्चर है क्योंकि मैंने अप्रैल से लेना स्टार्ट कर दी थी फिनेस्टराइड, और हम मंथ ओवर मंथ देखेंगे कि मेरे बालों की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है या और बिगड़ रही है। तो ये गाइज है 2 महीने का रिजल्ट और आप देख सकते हैं कि राइट साइड में अभी भी रिसेशन है। अब अगर आप हेयर लॉस से रिलेटेड कोई भी ड्रग लेते हो, 2 महीने बहुत कम टाइम है। और मैं कहूँगा कि मेरे बाल जो है राइट साइड वाली पिक्चर में सेम है। ये हो सकता है कि मैंने कोई शायद दूसरा शैम्पू यूज़ किया हो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि बाल ज़्यादा हैं। बट मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे जून में भी लगभग वैसे ही बाल थे, मे भी हल्का फुल्का फ़र्क आया हो बट डेफिनेटली कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी। जुलाई में भी आप देख सकते हैं कि मेरी जो है वहाँ पे थिनिंग थी उस एरिया में, थोड़ी बेटर लग रही है जुलाई में, लेकिन मेरे को था कि मैं और वेट करूंगा 3-4 महीने, फिर उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। 4 महीने का ये है रिजल्ट और मैं कहूंगा कि ये 4 भी नहीं है, शायद 4.5 महीने का रिजल्ट है। ये जो पिक्चर है राइट साइड में मैंने अगस्त के बीच में ली थी, इस वक्त मुझे लगा कि हाँ ग्रोथ हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एरिया जो है यहाँ से ये ऐसा शेप बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप है जिसमें कि मेरे बाल जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो थिनिंग की चौड़ाई है वो पहले से कम हो गई, पहले पूरे एरिया में थिनिंग थी, अब इतने एरिया में थिनिंग है। तो मुझे इस टाइम पे मुझे विश्वास हुआ कि शायद फिनेस्टराइड काम करेगा और मैं बहुत खुश था। फिर उसके बाद मैंने 1 महीने बाद सितंबर में देखा, अगेन द सेम रिजल्ट। पहले आप देख सकते हो कि थिनिंग काफ़ी ज़्यादा थी, ये पूरा ट्रायंगुलर शेप है। यहाँ पर क्या है कि थिनिंग की जो चौड़ाई है वो और कम हो गई है। फिर उसके बाद अक्टूबर जो कि आज का पिक्चर है, और गाइस मैं मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये दोनों पिक्चर्स देखे कि बाल वापस भी आ सकते हैं। अभी भी मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मेरे बाल पूरे घने हो गए। अगर आप मेरे बाल अगर मैं अच्छे से अगर आपको पीछे आगे करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एरिया की जो डेंसिटी है इस एरिया की डेंसिटी से कम है। बट अगर आप कंपेयर करो 6 महीने पहले के जो मेरा पिक्चर है, सिर्फ ये वाला एरिया देखो, तो इम्प्रूव हुई है। आइडियल सिनेरियो में मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो ये डेंसिटी है ये मैच करे इन वाले बालों की डेंसिटी से जहाँ बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं हुआ है। अगर मेरे इतने भी बाल रहते हैं तो भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा हेयर लॉस विजिबल नहीं है। वो तो मेरा क्या है कि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे क्या है कि मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं इसको अर्ली स्टेजेस में मैंने पकड़ लिया।
मेरी बालों की कंडीशन तब भी मार्च अप्रैल में कोई बुरी नहीं थी। या आप जो लेफ्ट में पिक्चर देख रहे हो इसमें मैंने बाल नीचे कर रखे हैं, तब आपको अलग से दिख रहा है। जब मैं बाल कंघी करता था, पीछे कर लेता था, किसी को नहीं पता चलता था कि मेरा हेयर लॉस है। फिर उसके बाद अब मैं आपको लेफ्ट साइड के टेम्पल्स की अपनी पिक्चर्स दिखाता हूँ। तो ये मेरे लेफ्ट साइड की पिक्चर्स थी। ये पहली पिक्चर है, वो जनवरी मिली थी, मैं फिनेस्ट्राइड नहीं लेता था। उसके बाद ये दोनों पिक्चर्स मार्च की हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा जो ये लेफ्ट वाला एरिया था, यहाँ पर थिनिंग अलग से दिखती थी। और स्पेशली मैंने बाल छोटे भी इसीलिए कराए थे जिससे कि मुझे पता लगे कि भाई मेरे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर थिनिंग हो रही है। दोनों पिक्चर्स में क्लियर है कि मेरे लेफ्ट साइड में भी थिनिंग थी। और अब जो ये राइट साइड वाली पिक्चर है, सबसे राइट में, इसको मैं बेसलाइन यूज़ करूँगा। रीज़न उसका यह है कि मेरे जो बाकी पिक्चर्स हैं वो इसी लाइटिंग में है। अब आप देखेंगे तो ये मेरा है 2 महीने का रिजल्ट। तो ये राइट जो लेफ्ट वाली पिक्चर है वो मार्च एंड की है, फिनेस्ट्राइड लेने से जस्ट पहले की, और ये बाद वाली है जून की। और आप देख सकते हैं कि बालों की हालत प्रिटी मच सेम है। कुछ लोग बोलेंगे कि बालों की हालत और बुरी हो गई, लेकिन गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बालों की लेंथ चेंज होती है, लाइटिंग चेंज होती है, आप शैम्पू अलग यूज़ करते हो, कभी कभी आपने उसी दिन शैम्पू यूज़ किया होता है जिस दिन आप पिक्चर लेते हो, उस दिन आपको घनापन ज़्यादा दिखता है। तो मैं कहूँगा ये सेम है। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ जुलाई में, ये मेरे 3 महीने का रिजल्ट है, ये भी मैं कहूँगा प्रिटी मच सेम है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि शायद मेरे राइट साइड में यहाँ पे ग्रोथ हुई है, मे बी हल्की फुल्की री ग्रोथ हुई है इस टाइम तक। फिर उसके बाद मैंने अगली पिक्चर ली अगस्त में। तो जैसा मैंने आपको राइट साइड के टेम्पल के बारे में बताया था कि अगस्त में मुझे लगा कि भाई ग्रोथ हुई है, ऐसे ही मेरे लेफ्ट साइड का ये जो टेम्पल है, अगस्त में मुझे विश्वास हुआ कि शायद बाल वापस आ रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट वाली पिक्चर जो कि मेरी बिफोर पिक्चर है उसमें कैसे यहाँ पे थिनिंग है, और राइट वाली में नीचे वाले एरिया में तो यहाँ पे थिनिंग है ही नहीं, ऊपर जो मेरे बाल हैं वहाँ पर भी डेंसिटी पहले से बढ़ी हुई है। एंड अगेन मेरी ये वाला जो लेफ्ट टेम्पल है इसकी डेंसिटी इन वाले बालों से मैच नहीं करती जहाँ पे हेयर लॉस नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। और हो सकता है कि मैं ट्रीटमेंट अगर कंटिन्यू करूँ 1-2 साल तक, तो शायद हो सकता है मेरी ये वाली और ये वाली डेंसिटी मैच करने लग जाए। ये है मेरी सितंबर की पिक्चर पिछले महीने की। इसमें मुझे 5 महीने हो गए हैं फिनेस्ट्राइड लेते हुए। अब मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पहले से बहुत बेटर हुए हैं बाल। इसमें मैंने क्या किया है कि सेम पोज में मैंने लेने की कोशिश की, वही अगेन राइट कंपैरिजन की वजह से। और आप देख सकते हैं कि पहले कितने कम बाल थे, अभी भरे भरे बाल लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि ऐसा नहीं है कि मेरे बाल पूरे घने हो गए, इससे मेरी हेयर लेंथ जो है राइट वाली पिक्चर में वो बड़ी है। तो जब आपके बाल बड़े होते हैं तो जो भी आपका स्कैल्प दिखता है छोटे बालों में वो छुप जाता है बड़े बालों की वजह से। और मैं आपको कुछ झूठे रिजल्ट्स नहीं दिखाना चाहता, तो मैं एकदम ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ कि मेरे राइट वाले में बाल भी बढ़े हैं बट रीग्रोथ भी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे घने हो गए बाल, अभी भी पतलापन है बालों में। और ये मैंने आज पिक्चर ली है, आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा ये जो लेफ्ट टेम्पल है इसमें कुछ रीग्रोथ हुई है। और मे बी हो सकता है कि मैंने बालों को इस तरह से पीछे किया है कि इसमें इल्यूजन क्रिएट हो रहा है राइट साइड वाली पिक्चर में कि बाल ज़्यादा है, लेकिन कुछ तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ, एटलीस्ट बेकार तो नहीं हुए। तो गाइज ये मेरी 6 महीने की प्रोग्रेस पिक्चर्स थी। इतना तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे बालों की जो हालत है वो पहले से बुरी नहीं हुई। मेरा ये मानना है कि अभी भी बहुत जल्दी होगी ये कंक्लूड करना कि मेरे बाल वापस आ गए या फिर रीग्रोथ हो गई। मेरा प्लान ये है कि जब मेरे को 1 साल हो जाएगा फिनेस्ट्राइड लेते हुए, मे बी अप्रैल 2022 में, तो मैं अपने बाल की लेंथ जो है वो एकदम छोटी कर दूंगा जैसे मेरे पहले थे। फिर मैं साइड बाय साइड कंपेरिजन करूंगा सेम लाइटिंग में ऑब्वियसली कि मेरे बाल पहले से कम हुए हैं या बड़े हैं। अगर मेरे बाल सेम है, कुछ नहीं, कुछ रीग्रोथ नहीं हुई है, तो भी मैं बोलूंगा कि भाई ये सक्सेसफुल है मेरे लिए क्योंकि मेरा हेयर लॉस बहुत सीवियर नहीं है। और भी अच्छा होगा कि अगर मेरे बाल बढ़ जाएं, अगर मेरे जो हेयर की डेंसिटी है वो बढ़ जाए, मेरे जो बालों की थिकनेस है वो बढ़ जाए, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको पूरा अपडेटेड रखूंगा, और उसके साथ साथ मैं हेयर लॉस से रिलेटेड साइंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में।